इंडिया के जितने भी लीडर्स हैं 90% वहाँ पे पहुँचेंगे, अपने आप में एक जवाब होगा। 87 का इतिहास इस बार बनाया जाएगा, ये मैं आपको दावे से कह सकती हूँ। जब एक लीडर पूरे हिंदुस्तान में इस्तीफा दे सकता है, तो वो एक लीडर क्या हरियाणा में विधानसभा नहीं बना सकता? हिंदुस्तान को छोड़ के दूसरे मुल्कों में हमारा नौजवान युवा जा रहा है, तो आप सोचो कि हिंदुस्तान की तरक्की के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के इनेलो की परिवर्तन यात्रा को पूरा किया और उसके बाद अब 25 तारीख की रैली को सफल बनाने के लिए जी जान से जुटी हुई हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। हमने देखा एक कोई तो छुट्टी मारी लेता है, आपने एक दिन की भी छुट्टी नहीं मारी यात्रा में, और अब रैली को लेके भी आपने जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हरियाणा प्रदेश की महिलाएं कितनी सक्षम कितनी स्ट्रांग है, इस बात को हम लेके चले। मेरे साथ में अकेली नहीं, पूरे हरियाणा की महिलाओं की एक आस और उम्मीद चल रही थी। और वहीं रैली को लेके जहाँ तक है, तो हमने 4000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान हर गांव में हर वर्ग को हर एक शख्स को न्योता भी दिया, और वहीं मुलाना में इसका समापन किया परिवर्तन यात्रा का। उसके बाद हम लगातार कंटिन्यूसली अभय सिंह जी भी, करण, अर्जुन जी, सब मतलब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सभी गाड़ियों से जाके न्योता देने में लगे हैं। और जैसा कि हर साल आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, इस बार भी हमारी यही कवायद है कि इस रैली को एक ऐतिहासिक रैली बनाएं। क्या लगता है आपको, आप घूमे पूरे माहौल देखा प्रदेश का, किस तरह से इस परिवर्तन यात्रा कुछ असर दिखाई दिया लोगों पे? भरपूर असर है। आप ये देखिए कि अभी जो मीटिंग्स हैं, सिर्फ मीटिंग्स हैं, वो रैली का रूप ले रही हैं। और जहाँ हम लोग भी, जो महिला डिपार्टमेंट है, जो हम लोग एक चाय पानी के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे एक जनसभा मिलती है, महिलाएं एकत्रित हो जाती हैं और सभी मिलके इस बात के लिए कहते हैं कि जो काम आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने हरियाणा प्रदेश के लिए किए, वही उम्मीद हमें केवल अभय सिंह जी चौटाला पे है। आज आपको एक चीज और बताऊं, जैसे पहले सिनेमा हॉल में टिकट्स लगती थी, जैसे हम देखते थे, भीड़ लगती थी, आज गांव-गांव में महिलाएं टीवी के आगे जब विधानसभा का सत्र होता है तो वो बैठती हैं देखने। जब उनसे पूछा कि आपने सत्र देखा, बोले हाँ हम इकट्ठी होके अभय सिंह को देखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, एक उम्मीद है लोगों को उनसे। आज प्रदेश में ना बड़ा ही अजीब तरीके का माहौल है, बेरोजगारी को लेके भी काफी हो हल्ला हो रहा है और क्राइम रेट भी बहुत वो बढ़ गया। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, तो उन्होंने ये जताया हो कि कौन हमारी आवाज उठाएगा? देखिए, जहां तक सवाल बेरोजगारी का है, वहां एक और बहुत बड़ी समस्या, इस बेरोजगारी की वजह से आज लोग एक बात से परेशान है कि उनके बच्चे देश को छोड़ के जा रहे हैं, हिंदुस्तान को छोड़ के दूसरे मुल्कों में हमारा नौजवान युवा जा रहा है। तो आप सोचो कि हिंदुस्तान की तरक्की के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। बेरोजगारी से लोग परेशान है, वहीं इस बात से परेशान है कि किसी के 2 किले जमीन, किसी के 3 किले जमीन, वो बच्चे दबाव बनाते हैं, वो बेच के चले जाते हैं, वहां जाके भी उनकी सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। वहीं महंगाई की एक बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं के सामने, सिलेंडर महंगे कर दिए, दाल, चीनी, चावल सब कुछ महंगा है, दूध, दही, लस्सी, पनीर पे भी टैक्स है, आटे पे भी टैक्स है। तो ये जो तमाम चीजें, ये समस्याएं, वहाँ एक और बहुत बड़ी समस्या मैं आपको बताती हूँ। 4000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान जो सबसे बड़ी समस्या है, बिजली के मीटर जो बाहर लगा रखे हैं, उन मीटर्स का बिल मनमाने तौर पे आता है और जब मर्जी अधिकारी रेड डाल के उनके ऊपर पेनल्टी लगा के चले जाते हैं। तो लोग बहुत परेशान है, गरीब से गरीब आदमी कहता है कि मैं घर में एक बल्ब और एक पंखा चलाऊं तो मेरा बिल भी 5000 रुपए महीने का आ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या लगता है आपको, ये रैली जो होने वाली है, वैसे तो आप लोग बोलते हो कि इनेलो खुद अपना ही रिकॉर्ड हमेशा तोड़ती है, लेकिन आज पैरेलल में और भी बहुत सारी रैलियां हो रही हैं, खुद दुष्यंत चौटाला भी, कल भी एक रैली यहां पे की गई थी, और इस तरह से रैलियों का दौर चल रहा है, कहां देखते हैं इस रैली को, कितने रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और कौन कौन लोग यहां पे पहुंचने वाले हैं? ये रैली तो हमेशा से ही विख्यात है कि चौधरी देवीलाल जी ने जो कार्य किए, और जहाँ तक इंडियन नेशनल लोकदल का सवाल है, फतेहबाद का शेड सबसे बड़ा शेड हिंदुस्तान का, वो भर के भी लोग पूरे नहीं आए थे, इस बार उससे भी बड़ा कैथल का शेड है,
और जहां तक उम्मीद है और एक विश्वास है कि 5 लाख के करीब लोग वहां पे आएंगे। अभय सिंह जी चौटाला इस चिंता में है, मैनेजमेंट को बार बार ये ऑर्डर करें कि देख लेना कहीं जगह कम ना पड़ जाए, शेड को और एक्सटेंड कराने की भी बात चल रही है। तो कुल मिला के यही कहूंगी कि जो परिवर्तन यात्रा के दौरान लोगों ने उमड़ के अभय सिंह जी चौटाला का स्वागत किया, उतने ही ज्यादा भारी संख्या में अब रैली में भी आके उनका मनोबल भी बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं जो इंडिया एक अलाइंस अलायंस जो हुआ है सबका मिलके, और जो एक विपक्ष मजबूत खड़ा हो रहा है, उसका भी हरियाणा प्रदेश सबसे पहले स्वागत करेगा। ये उनके लिए भी एक ये पहली रैली होगी जो जब से इंडिया का गठन हुआ है उनके लिए भी ये हरियाणा प्रदेश से शुरुआत होगी, जो कि नींव भी हरियाणा प्रदेश से रखी गई है और शुरुआत भी हरियाणा प्रदेश से होगी। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। लोगों ने ये भी कहा है कि उन लीडर्स को हम दूसरी स्टेट में मिल जाके भी नहीं मिल पाते, और वो खुद अगर हमारी स्टेट में चल के आ रहे हैं तो हम उनसे जरूर मिलेंगे। जैसे अलायंस की आप बात कर रहे थे, इंडिया के अलायंस की बात कर रहे थे, तो जो दूसरा परिवार है, जो चौटाला का परिवार है, दिग्विजय चौटाला है या दुष्यंत, दोनों बड़ा मजाक इस चीज का बना रहे थे कि INLD को तो शामिल नहीं किया गया है, उनकी तो टिकट के पैसे भी मर गए हैं, फ्लाइट बुक हो ही आई रहेगी है। देखिए, किसी की टिप्पणियों पे क्या टिप्पणी करूं, स्वयं जनता इस बात का जवाब दे रही है। इंडिया के जितने भी लीडर्स हैं 90% वहाँ पे पहुँचेंगे, अपने आप में एक जवाब होगा। यात्रा को लेके जो उन्होंने कहा, 4,000 किलोमीटर की यात्रा इस बात का सबूत है, क्योंकि कुछ बयान आए थे कि अभय सिंह जी 4,300 किलोमीटर छोड़ 43 किलोमीटर नहीं चल सकते, उसी शख्स के नाखून तक उखड़ गए और पाँव में छाले तक गिर गिर के ठीक हुए। तो उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की, हम अपना कर्म कर रहे हैं, वो उसके ऊपर छीटा कसी करे, ये उनका डिपार्टमेंट है। वैसे चुनावी मोड चल पड़ा है, लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं, कुछ बातें ऐसे भी होते हैं, इकलौते एक विधायक थे, तो आने वाला समय बड़ा चिंता का विषय है कि INLD अपने वर्करों को किस तरह से थामेगी, किस तरह से कुणबा बढ़ाएगी और किस तरह से आगे एक प्रोग्रेस चलेगी। देखिए, ये जनता जनार्दन है, जनार्दन नाम भगवान का है। जिस समय भारतीय जनता पार्टी आई थी, 2 ही सीट थी, केजरीवाल की एक भी नहीं थी। ये जनता है, जनता जिस तरफ मूड बना लेती है, और 87 का इतिहास इस बार दोहराया जाएगा, ये मैं आपको दावे से कह सकती हूँ। अभय सिंह जी चौटाला के उसी प्रकार से लोगों में एक भावना, एक पॉपुलैरिटी बढ़ी है जिस तरीके से आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में यदि एक मिसाल कायम की किसानी को लेके, मजदूर लेके एक मजबूती जो देने का काम किया, वो केवल एक ही लीडर है, अभय सिंह जी चौटाला। जब एक लीडर पूरे हिंदुस्तान में इस्तीफा दे सकता है, तो वो एक लीडर क्या हरियाणा में विधानसभा नहीं बना सकता? ये एक बहुत बड़ी बात होगी, और आप देखिएगा कि पूर्ण रूप से बहुमत आएगा। आने वाले समय में उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे दलों से जिस तरह शामिल हो रहे हैं लोग, अपने INLO में भी बढ़ेंगे? इंडियन नेशनल लोकदल का कुटुंबा तो बहुत बड़ा है। आप ये देखें, JJP तो लगभग सारी ही कन्वर्ट होगी हमारे पास आ गई, क्योंकि ये उनका स्वयं का घर था, लोग बरगलाए गए थे, और सभी इस बात को लेके कहते हैं कि हम इस भूल को सुधारेंगे और इस बार अभय सिंह जी चौटाला के लिए जी जान लगा देंगे। वहीं एक बात मैं और कहना चाहती हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जो बहुत परेशान हैं, नाउम्मीद हो चुके हैं, जो ग्राउंड का वर्कर है, वो भी आज इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल होता जा रहा है। वहीं जो निर्दलियों के जहां जहां बने हुई MLAs हैं, उनसे भी लोग बहुत परेशान हैं। लोग कहते हैं कि हमने किस उम्मीद से एक MLA बनाया था, आज हमारी विधानसभा में कोई आवाज नहीं उठाता। आवाज ही एक इंडियन नेशनल लोकदल का एक ही लीडर है, वो उठाता है, तो क्यों ना हम उसी लीडर के पास जाएं जो हमारी आवाज बने। मैम, जननायक देवीलाल के नाम पे दोनों पार्टियां चल रही हैं और एक पार्टी तो सत्ता में है, भागीदार है, क्या देखते हैं इस गठबंधन को, कितना सक्सेस ये रहेगा, क्या लगता है आगे, क्या फिर से ये मिलके चुनाव मैदान में उतरेंगे? देखिए, जननायक जनता पार्टी दो नहीं है, ठीक है, एक आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की तो एक ही पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल। क्योंकि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी जिस समय स्वर्ग सिधारे थे, उस समय उन्होंने अपना उत्तराधिकारी आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को बनाया था, इस हिसाब से पार्टी तो उनकी वही है। वहां जो निकल के गए, जिन्होंने दूसरा दल बनाया, और फिर उन लोगों के साथ जाके बैठ गए जिन लोगों ने हरियाणा के हितों का कुठाराघात किया, हरियाणा के लोगों के हितों को छीनने का काम किया, तो ऐसी पार्टी दो ठग हैं, दोनों ठग बंधन है।
ये ठग बंधन एक तरीके से, मैं तो यही कहती हूँ कि विलय तो हो चुका है, केवल घोषणा होनी बाकी है। आज आप ये देखिए, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिवस, वो दम भरते हैं कि हम चौधरी देवीलाल जी के वंशज हैं, उनके नक्शे कदम पे चलते हैं, फिर रैली हरियाणा छोड़ के आज राजस्थान में होने जा रही है। तो ये एक बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको आंख दिखा दी है। अब तो जितने भी उपचुनाव हुए, किसी में ना झंडा ना डंडा ना कैंडिडेट, ये इस बात का सबूत है, क्योंकि बड़ा मगरमच्छ छोटी मछली को कभी नहीं छोड़ता। भारतीय जनता पार्टी इनको निगल चुकी है। राजस्थान में भी चुनाव की घोषणा कर दी, हम वहां भी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यूं तो जी आप कहीं पे भी कर दो, लेकिन पहले हरियाणा प्रदेश के नौजवान 75% का जो आरक्षण देने का, जो रोजगार देने की बात हुई थी, उस सवाल का जवाब वो हरियाणा के युवाओं को दे दे, उसके बाद जाके चाहे कहीं पे भी चुनाव लड़े। ये उनका अपना एक मत है, लड़े चाहे चुनाव कहीं पे भी। रैली के लिए क्या कहना चाहेंगे प्रदेश के लोग? मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के एक एक जन से, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से और युवा बच्चों से एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि देखिए, हम एक अघोषित इमरजेंसी में जी रहे हैं, और इसके लिए हमें एक विकल्प की जरूरत है। और विकल्प कहाँ से सिद्ध होगा? आपके पास मौका है 25 सितंबर को, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, जिन्होंने पूरी उम्र लोगों के, जनता के हित के काम किए, उनको एक उनके जन्म दिवस पे सम्मान दिवस के रूप में जो मनाते हैं, आप सब 25 सितंबर को कैथल की अनाज मंडी में पहुंच के उन्हें एक मजबूती दें, उनके जो कार्य हैं उनकी सराहना करें, वहीं साथ साथ उनकी जो विचारधारा जो उन्होंने हमें दिखाई है उसको मजबूत बनाने में अभय सिंह जी चौटाला के हाथ मजबूत करें। आप सबको मैं हाथ जोड़ के एक बार पुनः प्रार्थना करती हूँ।